नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया 360। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। क्या नितिन गडकरी से छिनेगी बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी? इस सवाल पर मंथन के लिए बीजेपी कोर कमेटी की बैठक शुरू हो चुकी है। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक पार्टी फिलहाल गडकरी का बचाव करेगी। कुछ ही देर में बैठक शुरू होगी। कोर ग्रुप की बैठक के बाद इससे लेकर आधिकारिक बयान जारी किए जाने की संभावना है। कानूनी और सियासी पहलुओं पर बीजेपी की कड़ी नजर है। दिवाली के बाद संघ और बीजेपी नेताओं की बैठक होगी। गडकरी के दूसरे टर्म पर कोई फैसला लिया जाएगा? सुबह से इन सवालों को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर चल रहा है। लगभग 6 ऐसी बैठकें अहम मानी जा सकती हैं। गडकरी के संकट मोचक कहे जाने वाले गुरुमूर्ति राम जेठमलानी सुषमा स्वराज से पहले ही मिल चुके हैं। अरुण जेटली और सुषमा स्वराज से गडकरी की मुलाकात हुई है। सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी भी मिले हैं। उधर यशवंत सिन्हा जसवंत सिंह के बीच भी मुलाकात हुई है। आपको बता दें कि राम जेठमलानी ने नितिन गडकरी को बीजेपी अध्यक्ष पद से हटाने की मांग की है। जेठमलानी का दावा है कि यशवंत सिन्हा, जसवंत सिंह और शत्रुघ्न सिन्हा जैसे पार्टी के वरिष्ठ नेता भी गडकरी की विदाई चाहते हैं। अपने ऊपर बढ़ते दबाव के बीच गडकरी लगातार पार्टी के बड़े नेताओं से मिल रहे हैं। गडकरी पर बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक है। इस बीच आपको बता दें, राम जेठमलानी खुलकर आ गए हैं नरेंद्र मोदी के समर्थन में और कहा है उन्होंने कि मैं उन्हें ही सबसे प्रबल दावेदार मांगता हूं प्रधानमंत्री पद के लिए। तो गडकरी पर बैठक राजनीति, एक के बाद एक ये मुलाकातों का दौर है। जेठमलानी गुरुमूर्ति कुछ ही देर पहले मिले हैं। गुरुमूर्ति सुषमा स्वराज से मिले, गुरुमूर्ति अन्य भी कोशिशें उनकी तरफ से की जा रही हैं। सुषमा स्वराज और लालकृष्ण आडवाणी भी मिल चुके हैं। गडकरी और जेटली की मुलाकात हो चुकी है। गडकरी सुषमा स्वराज और इधर जसवंत और यशवंत सिन्हा की भी मुलाकात हो चुकी है। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। अमिताभ, सवाल यही है कि ये जो बैठकों की राजनीति चल रही है, सिर्फ एक जुगाड़ सिस्टम ताकि कोई फेस सेविंग तरीका निकाला जा सके, क्या कोर ग्रुप की बैठक के बाद किसी बड़े फैसले की उम्मीद रख सकते हैं? देखिए, जिस तरह से मंथन का दौर चला है, पूरे दिन मुलाकातों का दौर चला है, मैं आपको बता दूं, उसके बाद तो यही लग रहा है कि रूठने मनाने का पूरा सिलसिला चलता रहा है। इसलिए इस बैठक के बाद आप इस बात की उम्मीद ना करें कि कोई बीजेपी अहम फैसला ले लेगी, क्योंकि बीजेपी की अंतिम फैसला लेने की जो बोर्ड है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड होता है। अंतिम फैसला पार्लियामेंट्री बोर्ड लेता है। जहां तक कोर ग्रुप का सवाल है, कोर ग्रुप आला नेताओं का एक ग्रुप है। तमाम नेता यहां बैठेंगे। जेठमलानी ने जो आरोप लगाया है, पार्टी के कई नेताओं ने, को जो चिंता है पार्टी की जो छवि खराब हो रही है भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को लेकर, लालकृष्ण आडवाणी ने पहले अपने दुख दिखा चुके हैं। जब येदियुरप्पा और निशंक को उनकी जन चेतना यात्रा के पहले हटाया गया था, लालकृष्ण आडवाणी अब भी भ्रष्टाचार को लेकर अपने रुख पर कायम है। तो ऐसे में पार्टी में लगातार संघ के बयानों के बाद पार्टी लगातार इस बात पर मशक्कत कर रही थी कि एक बीच का रास्ता क्या निकाला जाए, और शायद इसी बीच के रास्ता निकालने की कोशिश में लगता है कि गडकरी को फिलहाल अवधान मिल जाएगा, लेकिन सवाल एक छोड़ जाएगा कि क्या उन्हें दूसरा कार्यकाल मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि संघ भी नहीं चाहता है कि उनके भेजे हुए नुमाइंदे की ऐसी विदाई हो जो कि याद रखे, इतिहास याद रखे कि एक भ्रष्टाचार के आरोप में संघ ने जिसको भेजा था दिल्ली के नेताओं को धता बताकर, उसका ऐसा हश्र हुआ है। तो जाहिर है इस मशक्कत के बाद जो कोर ग्रुप की बैठक हो रही है पूरे दिन की मशक्कत के बाद, उसमें कोई कड़े फैसले की उम्मीद कम से कम फिलहाल मुझे तो नजर नहीं आ रही। बिल्कुल, अमिताभ सिन्हा बने रहिए हमारे साथ। अमिताभ सिन्हा हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए। इस बीच एक बार फिर से आपको बता देते हैं किस तरह से सियासी आज एक रास्ता तलाशने की कोशिश हुई है, क्योंकि सियासी मुश्किलों में घिरे बीजेपी अध्यक्ष नितिन गडकरी अब कानूनी पचड़े में भी उलझते हुए दिख रहे हैं। आपको याद होगा, उन्होंने विवेकानंद और दाऊद की जो टिप्पणी की थी, विवेकानंद की दाऊद से तुलना करने के मामले में गुजरात के जामनगर में गडकरी के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। मैं ये मानता हूं कि साइकोलॉजी की भाषा में हम जिसका आईक्यू टेस्ट करते हैं, तो विवेकानंद जी का आईक्यू और दाऊद इब्राहिम का आईक्यू अगर साइंटिफिक भाषा में बोलूं तो दोनों समान था। जनता के दरबार में विवेकानंद और दाऊद की ऐसी तुलना गडकरी के गले की फांस बनती जा रही है। बात अब सियासी आरोपों के दावपेच से आगे निकल चुकी है। मामला जनता की अदालत से कानून की अदालत तक जा पहुंचा है। जामनगर की अदालत में आपराधिक मामला दर्ज हुआ है। एक वकील ने बीजेपी अध्यक्ष और प्रवक्ता निर्मला सीतारमण के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि शिकायत करने वाले वकील कांग्रेस के स्थानीय नेता हैं। हालांकि मामले के कानून के चौखट तक पहुंचने से पहले ही गडकरी ने अपने बयान पर माफी मांग ली थी। दावा किया था कि उनके बयान को गलत संदर्भ में पेश किया गया, पहले भ्रष्टाचार और अब बेतुका बयान जाहिर है
गडकरी अपने लिए खुद ही गड्ढे खोदते जा रहे हैं। बीजेपी के भीतर भी विरोध शुरू हो चुका है, लेकिन सियासी मजबूरी में ज्यादातर बड़े नेता अभी साथ खड़े दिख रहे हैं। आरएसएस ने भी गडकरी के खिलाफ अब तक कोई बड़ा इशारा नहीं किया है, लेकिन विवेकानंद की ऐसी तुलना उन्हें भी पसंद नहीं, ये वो जता चुके हैं। वैसे देखिए, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व जो है अपने आप में महानतम है, और वास्तव में उनकी तुलना किसी दूसरे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। तो विवेकानंद जी पूरे समाज के लिए, देश के लिए, राष्ट्र के लिए, मैं तो कहूंगा विश्व के लिए, क्योंकि शिकागो में जो धर्म वक्तृता हुई थी और उन्होंने जो विषय रखा था, सनातन धर्म का विषय रखा था, सारा विश्व विश्व उनसे प्रभावित था। तो निश्चित रूप से विश्व के महानतम व्यक्ति है, और उनकी तुलना वास्तव में नहीं हो सकती। सियासी हमलों से लेकर कानूनी दावपेच तक नितिन गडकरी की उलझने बढ़ती जा रही हैं। बीजेपी के लिए बचाव करना भी मुश्किल हो रहा है। सूत्रों की माने तो बीजेपी भी फिलहाल अपने अध्यक्ष की सम्मानजनक विदाई के रास्ते तलाश रही है। भोपाल से अमित कुमार के साथ आज तक ब्यूरो। भारतीय जनता पार्टी जो फिलहाल भारतीय झंझट पार्टी बन गई है। बहरहाल, नोएडा की जमीन में न जाने कितने विवाद दबे हैं। जमीन से जुड़ा एक और घोटाला सिर उठा रहा है। इस बार सवाल खड़े हुए हैं फार्म हाउस के आवंटन पर। लोकायुक्त इसकी जांच शुरू कर चुका है, और शुरुआती जांच से ऐसा लग रहा है कि जमीन का यह घोटाला कई अधिकारियों को लपेटे में ले सकता है। नोएडा में जमीन का यह टुकड़ा बड़े घोटाले की फसल उगलता दिख रहा है। फार्म हाउस के आवंटन के नाम पर अरबों रुपए के घोटाले के आरोप लगे हैं। लोकायुक्त ने जांच भी शुरू कर दी है। अब तक प्राधिकरण के 8 अधिकारी जांच के दायरे में हैं, जिन पर आवंटन की जिम्मेदारी थी। तो आवंटन की प्रक्रिया में क्या गोलमटोल हुए? कॉस्टिंग तो समय समय पर कॉस्टिंग डिफर करती रही है, और ये कॉस्टिंग सही है जो राकेश बहादुर जी ने करके दी है, या वो सही है कॉस्टिंग, या दोनों में से कोई सही नहीं है, ये निर्धारित करना है। इस मसले पर जब हमने नोएडा प्राधिकरण से बात करने की कोशिश की तो कैमरे के सामने कोई नहीं आया। वजह साफ है, मसला अरबों रुपयों की जमीन का है और निशाने पर पूरा प्राधिकरण है। सूत्रों की माने तो जल्दी ही जांच का दायरा बढ़ाया जा सकता है, जिसमें मौजूदा और पूर्व कई बड़े अधिकारियों की गर्दनें फंस सकती है। साल 2010 में नोएडा अथॉरिटी फार्म हाउस स्कीम लेकर आई थी, जिसके तहत 304 लोगों को फार्म हाउस अलॉट किए गए थे। लोकायुक्त इस वक्त ये पता कर रही है कि प्राधिकरण ने उद्योग के नाम पर ली गई जमीन फार्म हाउस के लिए कैसे आवंटित की, आवंटन की प्रक्रिया क्या थी, क्या उसमें किसी खास को फायदा पहुंचाया गया, आवंटन के नियम कैसे और किसने तय किए, क्या स्कीम का मूल्यांकन सही था, अगर नहीं तो सरकार को कितने रुपयों का नुकसान हुआ। शुरुआती जांच में पाया गया कि फार्म हाउसेस के आवंटन में न सिर्फ नियमों को दरकिनार किया गया, बल्कि ऐसे लोगों को भी फार्म हाउसेस दे दिए गए जो इसे पाने के हकदार ही नहीं थे। इसके अलावा भी लोकायुक्त की जांच में कई हैरान करने वाली बातें सामने आई हैं। जांच के घेरे में पूर्व सीईओ मोहिंदर सिंह और ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी यशपाल सिंह भी आ सकते हैं, क्योंकि ये तमाम आवंटन उन्हीं के कार्यकाल में हुए थे। फिलहाल अनुमान लगाया जा रहा है कि ये घोटाला 1000 करोड़ के आंकड़े को भी पार कर सकता है। शिवेंद्र श्रीवास्तव और भूपेन चौधरी के साथ अमित कुमार चौधरी, नोएडा आज तक। मुंबई को शर्मसार करने वाले बांद्रा बलात्कार मामले में एक की गिरफ्तारी हुई है। पॉश पेरी क्रॉस रोड इलाके में स्पैनिश महिला से बलात्कार का आरोपी बादशाह अंसारी हिस्ट्री शीटर बदमाश है। 3 दिन पहले ही वो जेल से छूटा था, और जेल से बाहर निकलते ही उसने शिकार ढूंढने शुरू कर दिए। चाहे स्केच में हैवान का होलिया देखिए, चाहे बुरके में हैवान का काला चेहरा देखिए, या असली चेहरे पर हैवानियत की रेखाएं पढ़िए, इसके करतूत की शर्मसार करने वाली दास्तान नहीं बदलेगी। यही है वो हैवान जिसने मुंबई को कर दिया शर्मसार। मुंबई में बांद्रा के बेहद पॉश इलाके पेरी क्रॉस रोड में घर में घुसकर इस शख्स ने 27 साल की स्पेनिश महिला का बलात्कार किया। रविवार और सोमवार की दरमियानी रात करीब 2:15 बजे, जब स्पेनिश महिला पेरी क्रॉस रोड के अपने इस घर में सो रही थी, बादशाह अंसारी नाम का ये हैवान बाथरूम के खुले विंडो के जरिए घर में दाखिल हो गया। इसने चाकू की नोक पर महिला को डराया और जेवरात से लेकर सभी कीमती सामान देने को कहा। महिला ने भागने की कोशिश की तो इसने चाकू की नोक पर स्पेनिश महिला से किया बलात्कार, और 45 मिनट के बाद एक हैंडीकैप कुछ यूरो करेंसी लेकर रफ चक्कर हो गया। स्पेनिश महिला से बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार बादशाह अंसारी नामी बदमाश है, उस पर करीब 20 मामले दर्ज हैं। बलात्कार और लूट के इस सनसनीखेज मामले को पुलिस ने 40 घंटों के अंदर सुलझाने का दावा जरूर किया है,
लेकिन बांद्रा जैसे पॉश इलाके में हुई यह वारदात अपने साथ कई सवाल भी छोड़ गया है कि क्या अब मुंबई में महिलाएं अपने घरों में भी सुरक्षित नहीं है और क्या अब अपराधियों में मुंबई पुलिस का खौफ खत्म हो चला है। पंकज उपाध्याय और कैमरामैन सचिन सावंत के साथ राजेश कुमार, मुंबई आज तक। 25 करोड़ की काली कमाई के मामले में मध्य प्रदेश के डीआईजी जेल उमेश गांधी और उनके भाई को निलंबित कर दिया गया है। उमेश गांधी के घर लोकायुक्त पुलिस ने छापा मारकर करीब 25 करोड़ की संपत्ति बरामद की थी। सोने के ये जेवर और नकदी शनिवार को मध्य प्रदेश के डीआईजी जेल उमेश गांधी के घर पर लोकायुक्त पुलिस के छापे के दौरान बरामद हुए थे। काली कमाई के इल्जाम में उमेश गांधी और उन्हीं की जेल में प्रहरी रूप से तैनात उनके भाई को निलंबित कर दिया गया है। लोकायुक्त द्वारा जो छापे डाले गए हैं और डीआईजी के पास जो आय से अधिक संपत्ति जो मिलना पाई है उसी आधार पर विभाग की ओर से उनको निलंबन किया गया है और साथ ही उनके जो भाई हैं सीहोर में जो प्रहरी है उनके ऊपर भी उनको भी निलंबन की कार्रवाई की गई है। निलंबन के साथ ही उमेश गांधी के समय जेल में विवादित ठेकों की फिर से जांच करवाई जा रही है। लोकायुक्त पुलिस ने गांधी के दफ्तर से उन तमाम ठेकों की फाइलें और कंप्यूटर जब्त कर लिया है। कुछ कागजात जो है हमें तलाशी के दौरान प्राप्त हुए थे जो उनके और भी बिजनेस में इन्वॉल्व होने की जानकारी लगती है, परंतु इस संबंध में संबंधित डिपार्टमेंट से और जहां भी इन्होंने पत्राचार किया है उनसे जानकारी ली जा रही है। शनिवार को छापे में गांधी के घर से 4 लाख रुपए नकद मिले थे, साथ में करीब 25 करोड़ की काली कमाई का खुलासा हुआ था। निलंबित डीआईजी उमेश गांधी की काली कमाई की परतें धीरे धीरे खुलते जा रही हैं। लोकायुक्त पुलिस संपत्ति के अलावा जेल ठेकों का बारीकी से पड़ताल कर रही है कि आखिर धांधली कहां कहां हुई है और सरकार भी अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि इन ठेकों में और कौन कौन लोग शामिल हैं। इस बीच उमेश गांधी के एक और कारनामे का खुलासा हुआ है। सतना का ये भव्य मंदिर जन सहयोग से उमेश गांधी का ही बनवाया हुआ है। उमेश सतना के सेंट्रल जेल में अधीक्षक हुआ करते थे। आरोप है कि 7 साल पहले उसी दौरान उन्होंने करीब 70 लाख की लागत से सरकारी जमीन पर वैष्णो देवी की अनुकृति तैयार करवाई थी। उमेश गांधी ने चंदे से इस मंदिर का निर्माण कराया था, लेकिन आरोप है कि इसका कोई हिसाब किताब नहीं है क्योंकि ट्रस्ट के ऑडिट का काम 2004 के बाद शुरू हुआ है। सतना से योगितारा दुसारे के साथ अमित कुमार, भोपाल आज तक।